बिलाईगढ़ ग्राम पंचायत खुरसूल के छोटे मोहल्ला जो जंगल के बीच में बसा है, जहां आजादी के बाद भी लाइट से लेकर शासन की योजनाओं से वंचित है। ना ही यहां मूलभूत सुविधाएं हैं, ना ही यहां रोड है। मजरा टोला योजना के तहत बिजली मिली, लेकिन ठेकेदार द्वारा बिजली पोल लगाने का कार्य पिछले 3 साल पहले किया गया था। वहीं आज बिजली का पोल लगे 3 साल हो गया है, लेकिन अब तक यहाँ बिजली के तार नहीं लगा है और अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है, हम लोगों के पूर्वजों को बसे यहाँ 100 साल से अधिक हो गया, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ 10 से 15 परिवार रहते हैं। हमारे बच्चे जो स्कूल जाने के लिए 4 से 5 किलोमीटर जंगल के बीच पैदल जाते हैं और हमेशा जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। वहीं लाइट नहीं होने के कारण बच्चे चिमनी के सहारे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत के पारा टोला है, यहाँ 3 साल से खंभा गड़ चुका है बिजली के लिए, लेकिन आज तक के मतलब लाइट नहीं है। यहाँ बसे कम से कम 100 साल से ऊपर हो गया है, यहाँ बस्ती बसा हुआ है। यहाँ 11 परिवार है, अब 11 परिवार में आज तक के ना तो बिजली लगा है, ना सड़क नहीं है, यहाँ कोई चीज़ का सुविधा नहीं मिल रहा है। शासन प्रशासन कई बार मैं आवेदन लगा चुके हैं, लेकिन आवेदन के मोड़ आज तक के कोई जवाब नहीं मिली से, न मतलब संतुष्टि मिली से। कितना परिवार बसा है यहाँ? यहाँ 11 परिवार है, 11 मकान बन चुका है, अब 11 परिवार है। मात्र 2 लोगों को मतलब आवाज़ के रूप में यहाँ भवन बना है, लेकिन आज तक के कुछ भी नहीं होते, ना तो मिनी आंगनबाड़ी बन सकते, ना रोड बन सकते, सरकार एक लिए कोई स्वीकृति भी नहीं देते। यहाँ के बच्चे किस प्रकार के पढ़ाई करते? लाइट नहीं है तो? यहाँ बच्चे लोग जा रहे थे पढ़ने के लिए खुरसूला, लेकिन भालू जानवर के डर से मतलब 1 साल हो गया छोड़ दिए हैं बच्चे लोग। तो यहाँ पढ़ाई कैसे करते हैं, किसके सहारे अगर लाइट नहीं है वो तो? चिमनी या आगी लबार के अलाव बार करके मतलब उसी के सहारे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। आपका परिचय? मैं ग्राम पंचायत खुरसूला सर। यह है कि बिजली ला 3 साल हो गए खम्भा गड़े, आज तक ले लाइट नहीं दे न कहीं नहीं। हर लोग लड़का मन इसने दिया हुआ बार के वे पढ़ते गा कैसे। आप मतलब 7 पीढ़ी आई है, कछु नहीं बनाते हमारे। और लेकिन पढ़े हो जाते तो रोड कैसे है? कचका छा है गांव का जंगल के रोड रोड नहीं है, रोड नहीं बने, कुछ कुछ नहीं है ना एक व्यवस्था जाए के तो का कर घर में पढ़ते हैं दिया बाती बार के और नाला में नहा थे ना कछु नहीं है, बोरिंग सोरिंग कुछ नहीं है, सुविधा नहीं है। 7 पीढ़ी हो गए है, अभी यहाँ कुछ के व्यवस्था नहीं है। अब 3 साल हो खम्भाल गाड़े हो खाली है, अब पूछे के सुविधा रोड के नहीं है ना कुछ के नहीं है। अब यहाँ अब लोग लेकिन पढ़ते लिखते था, अब दियल बार के पढ़ते लिखते का दवा, अब वहाँ तो स्कूल के भी नहीं है, तो वह 5 किलोमीटर दूर जाते, अब कच्ची सामान भी जाता ना वहाँ तक। अब यहाँ तो कुछ सुविधा नहीं है। कितना परिवार बसा है यहाँ? यहाँ 10 परिवार है। 100 साल होगी, 100 साल होगी बस। लाइट वाइट नहीं? नहीं। खंभा वंभा लगे तो यहाँ लाइट वाइट हुआ? 3 साल हो गए खंभा गड़े, लाइन तार नहीं खींचा है। अच्छा, और अपन के बच्चा ने स्कूल स्कूल आना जाना कहाँ से करते? खुरसूल आ जाते तो जंगल का के नहीं जाते। अब जंगल है नरवा तक कतिल जा सके, रोड नहीं बने हैं, रोड नहीं है। जानकारी मई है कि वहाँ पे 2016 में मजरा टोला के अंतर्गत विद्युतीकरण का मतलब प्रकरण स्वीकृत हुआ था और ठेकेदार को काम भी मिला हुआ था, तो उसने काम करने गया। वहाँ पे कुछ किसानों ने ऑपरेशन लगा दिया खंभा खड़ा करने और लाइन, जिसकी वजह से ठेकेदार ने बहुत कोशिश की लोगों को मनाने के लिए, लेकिन विवाद की स्थिति आ गई थी, जिसकी वजह से ठेकेदार वो काम छोड़कर चले गए। उस समय जो भी संबंधित अधिकारी थे उन्होंने उस ठेकेदार से काम करने के लिए आग्रह किया था, तो उन्होंने एकदम सीधे साफ तौर पर मना किया कि विवादित जगह है, उनसे काफ़ी विवाद हुआ, इस वजह से हम काम को नहीं कर पाएंगे। तो अभी वर्तमान में और मजरा टोला का विद्युतकरण की अभी योजना स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हमने उस गाँव के लिए जो आवश्यक लाइन लगाने की जो आवश्यकता है उसकी जानकारी हम पर उचित कार्य उपस्थित कर दिए हैं, जो कि अतिशीघ्र वहाँ का विद्युतीकरण कार्य कर लिया।